हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज का टॉपिक फिर से एडिटिंग है। तो एडिटिंग वो मेरे उसमें एक पार्ट वन है, ये पार्ट सेकंड है। इसमें मैंने सारा कवर कर दिया एडिटिंग से लेके। यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको एडिटिंग आनी चाहिए और अच्छी से आनी चाहिए, प्रोफेशनल आनी चाहिए, क्योंकि एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी एडिटिंग से सबसे ज़्यादा मायने रखती है। एडिटिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एडिटिंग में जो भी कुछ गड़बड़ी रहती है हम एडिटिंग से उसको सुधार कर लेते हैं। इफेक्ट्स से लेके हर एक चीज़ें मैंने बताई है। हाँ, इसमें कुछ प्रीमियम भी होती है जो हमें पैसे से लेनी पड़ती है, और जैसे कि इंट्रो वगैरह हर एक चीज़ में पैसे से लेनी पड़ती है। लेकिन मैं सोचूंगी आपका अगर अच्छा है, टॉपिक अच्छा है और आप कनेक्शन बना पा रहे हैं ऑडियंस से दिल तक कनेक्शन बन जा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़े और इंट्रो वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़े। आपका बस टॉपिक अच्छा होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए और सबकी समझ में आना चाहिए। और सबसे मेन बात है, आप ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए आपकी चीज़ें। और आप तो मैं यही समझती हूँ कि ज़्यादा पैसे खर्च करने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आप जो है उससे ही चला। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी 90% लोग काइन मास्टर जो यूट्यूबर है काइन मास्टर से एडिट करते हैं और सारे भी ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा प्रीमियम कोई नहीं ले। इसके लिए सब यूट्यूबर सजेस्ट करते हैं कि काइन मास्टर से एडिटिंग करें। काइन मास्टर अच्छा है, फ्री का है, तो उसमें ज़्यादा कास्ट वोट की ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ कवर हो जाता है। तो मैं भी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप भी बोर हो जाते हैं और स्किप भी कर देते हैं। अच्छे से समझ में आए, आपके एकदम दिमाग में उतर जाए वो चीज़ें, अगर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं, सीखते हैं अच्छे से एडिटिंग करना। और हाँ, इससे पहले मेरे आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। पूरा कवर करूँगी, सारे इफेक्ट, सारे कट, सारे चीज़ कवर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, या फिर यहाँ पर मैं वो थोड़ी बहुत बता दूँगी, लेकिन जब इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसके लिए आप फर्स्ट पार्ट जाके देखिए और सेकंड पार्ट में मैं ये बताने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है, ये भी मैंने कैसे बताया, कैसे फाइल सेलेक्ट करते हैं, क्या मैंने सारा उसमें समझा दिया है। तो चलिए इसमें आते हैं जल्दी से। ये मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है जाके, अब चलिए इसमें सारी चीज़ फंक्शन सारी चीज़ें मैं कल सारी बता दी थी आपको, तो ये आज मैं ज़्यादा बताऊँगी नहीं। तो जैसे कि अभी चलिए मैं लेती हूँ कट। कट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है। जैसे कि कट होता है, जैसे कि आपको लगता है कि ये पार्ट हमको नहीं चाहिए, ये पार्ट मेरे लिए अभी ज़रूरी नहीं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले तो लगता है कि ये पार्ट कट कर देना चाहिए, ये पार्ट नहीं सही है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, तो वही कट होता है। तो जैसे कि यहाँ तक हमको ये पार्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ से कट पर निशान पर जाके इसको लेफ्ट कट ट्रिम टू लेफ्ट प्लेहेड, तो ट्रिम टू हो जाएगा, मतलब कट हो गया। अगर आपको चाहिए, मतलब आपको लग रहा है कि मुझे फिर से चाहिए, तो ये अंडो करके देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ से फिर से मंगा सकते हैं, ये देखिए आ चुका है ये अभी। तो यही होता है, कट होता है। और राइट कट भी करना है तो भी देखिए यहाँ पर कर्सर रखते हैं और यहाँ जाके राइट कट कर देंगे, तो राइट कट ट्रिम हो गया, ट्रिम का मतलब पार्ट कट करना होता है, फिर यहाँ से अंडो मंगा के मंगा लेंगे। तो ये हो गया कट करना। और हम लोग अभी बीच में कट क्यों लगाते हैं, बीच में कट इफेक्ट डालने के लिए लगाते हैं, जैसे बहुत सारे इफेक्ट आपने देखा होगा वो चलता रहता है, तो उसके लिए कट लगाते हैं जिससे वीडियो थोड़ा और अच्छा दिखता है, तो इसके लिए बीच में हम थोड़ा बहुत इफेक्ट लगा देते हैं। तो देखिए जैसे कि ये है, ये मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है, तो ये जाएंगे कट के निशान में, स्प्लिट टू प्ले हेड पे ऐसे कट कर देंगे, तो ये बीच में देखिए कट हो चुका है अभी, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। फिर ये देखिए ये बीच में कट हो गए, फिर यहाँ पर ये जो कट हुआ है उस पर ऐसे डायरेक्ट ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे इफेक्ट्स, जैसे हमको जो भी इफेक्ट डालना है हम यहाँ से चूज करके डाल सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे ट्रेवल एंड एक्टिविटी टैक्स का है, इसे बहुत सारे हैं, देखिए मैं बताने बैठूंगी तो वो तो आप एक एक करके सीखिएगा, सारे सीख जाएंगे। तो मैं इसमें अच्छा सा कोई इफेक्ट बता देती हूँ, जैसे कि ये चलिए ये मैं ये बता देती हूँ, ये देखिए इसका टाइम भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि जल्दी करना है, ये देखिए थोड़ा लेट में एक मिनट का हो गया, 1.5 मिनट का हो गया, फिर जैसे आपको टाइम जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं, यहाँ से ये भी ले सकते हैं, देखिए इसका भी टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको ये देखो जूम आउट जूम इन का भी ले सकते हैं, ये देखिए अभी जी, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हैं जो हम लोग ले सकते हैं इसमें। चलिए मैं एक दो और बता देती हूँ, जैसे कि ये देखिए
ये देखिए, चलिए एक कॉल करके बता देती हूँ। देखिए मैं और आप देख रहे हैं, ये इफेक्ट, इसको बोलते हैं इफेक्ट, ये बीच में कट लगाते हैं तो सारे वजह से, और भी कट लगाना है तो फिर और भी इधर जाके फिर से करेंगे और फिर यहाँ पे लाके ओके कर देंगे। फिर इसको बीच में जहाँ से हमने कट लगाया वो निशान आ गए, फिर यहाँ से इसे जाएंगे और ये देखिए ये हो गया है फिर से। हाँ देखिए है, इसके लिए हम बीच बीच में इफेक्ट लगा देते हैं। ये जाएगा, ये तो इफेक्ट हो गया आपका। इसमें भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं, स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप कभी फास्ट फॉरवर्ड में रखना चाहते हैं, लो फॉरवर्ड में, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। चलिए मैं एक करके बताऊँ, जैसे कि स्पीड कभी कभी देखते हैं आपके कोई लो मोशन में चलती है कोई वीडियो, कोई फास्ट लो में चलती है, तो यहाँ से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए स्पीड पर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये देखिए तो स्पीड सेलेक्ट करने से पहले आप ऑडियो को म्यूट कर दीजिएगा, नहीं तो इससे ऑडियो ख़राब हो जाती है, देखा होगा। और चलिए फास्ट कर लेते हैं, ये देखिए ये फास्ट हो गया है। इसको भी अंडो करके फिर से वापस आ जाते हैं हम, तो ये हो गया स्पीड। रिवर्स का है, रिवर्स का मतलब होता है जो लास्ट का पार्ट होता है वो आगे चलने लगता है, इसको मतलब रिवर्स कर दे, जैसे जो मेरा लास्ट का चीज है पार्ट वो आगे आ जाएगा तो रिवर्स हो जाता है। तो ये देखिए रिवर्स हो रहा है, तो ये बस यही है रिवर्स करना। देखिए रिवर्स कंप्लीट हो गया, अब ये जो पीछे का तो वो आगे आ जाएगा और जो आगे का था वो पीछे आ जाएगा। देखिए ये हो गया। अब रोटेट और मिरर का भी, जैसे कि कभी हम लोग मोबाइल से शूट करते हैं तो वो उल्टा आ जाता है, इसके अपना स्किन भी उल्टा आ जाता है, सब कुछ मतलब जो लिखा रहता है वो भी उल्टा आ जाता है, तो यहाँ से ये रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए और भी इनसे सारे फंक्शन हैं, जैसे कलर एंड फिल्टर का, तो इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे कलर हैं इसमें, आपको जैसा चाहिए वैसा आपको लगता है तो आप देखिए ऐसे कर सकते हैं। ये जैसे कि चलिए हम ये ले लेते हैं, ये देखिए कलर आ चुका है। एडजस्टमेंट में भी ये देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये आपको जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं। ये देखिए मतलब हम लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा अच्छा बनाते हैं तो बस इसके लिए ये सारे इफेक्ट डाले जाते हैं। तो चलिए हम अंडो करके फिर से वापस आ जाते हैं। इसमें भी आप जैसे कि आइडियो को चेंज कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, नेचुरल कर सकते हैं, रॉप पॉप डाल सकते हैं, कई सारे आइडियो के इफेक्ट हैं। आइडियो में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं डाला लेकिन आपको लगा कि आपको ऑडियो और अच्छी बनानी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। बैलून का भी आप इसमें देखिए, जैसे कि हमें लगता है कि किसी किसी में देखा होगा कि आपने कहीं वैल्यूम कम हो जाती है, कहीं तेज़ हो जाती है, तो जैसे कि कभी लगता है कि हमको वैल्यूम तेज़ करनी चाहिए, बैकग्राउंड का कम करना चाहिए, तो वही यही सारी इसमें वैल्यूम का होता है। तो यहाँ से देखिए ये सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, इसके वैल्यूम को कम कर देंगे। ये देखिए देखिए यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें है रिवर्ब का, तो रिवर्ब में अपनी आवाज़ जैसे लानी है चाहते हैं, तो जैसे कि आपको लगता है कि आपको मतलब बाथरूम की आवाज़ चाहिए, चर्च की चाहिए और रूम की चाहिए, हॉल की चाहिए, ये सारे स्टूडियो की आवाज़, ये सारे इसमें आवाज़ हम लोग ला सकते हैं। देखिए ये इसमें स्टूडियो की आवाज़, ये सारे बस आवाज़ का मतलब लगे कि आपको आवाज़ स्टूडियो की चाहिए, बाथरूम की चाहिए, जो भी चाहिए वैसा कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, तो वही सब कर सकते हैं। वॉइस चेंजर में जैसे कि आपको चेंज कर सकते हैं, जैसे किड्स की आवाज़ कर सकते हैं, देखिए जैसे मैन की आवाज़ करनी, वुमेन की आवाज़ करनी, देखिए ये मेरी किड्स की आवाज़ हो गई है, रोबोट की आवाज़ भी कर सकते हैं, मैन की आवाज़ कर सकते हैं, वुमेन की आवाज़ कर सकते हैं, देखिए मैन की करके बताती हूँ, तो ये सब आवाज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा मेरे, इसमें एक एक चीज़ सारी चीज़ें बताऊंगी मैं, तो चलिए और भी देखते हैं इसमें इसमें क्या होगा। ये देखिए इफेक्ट है ये भी कि मतलब उतना ही शो करना है जितना दिखाना है, तो बस वही है इसमें। ये देखिए
ये सारे किनारे किनारे अंदर आ जाएगा और बीच में आपका जो दिखाना है वही आएगा। एक्सटर्नल ऑडियो में जैसे कि आपको लगता है कि कभी कभी आप ये करते हैं कि जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड के सामने वो आवाज़ चलती रहती है, तो आपको लगता है कि वो आवाज़ हमको नहीं चलानी, म्यूट कर देनी और अपनी माइक की रिकॉर्ड की ही आवाज़ डालनी है, तो यहाँ से वो एक्सटर्नल ऑडियो जाके ऐड करके वो आवाज़ डाल सकते हैं और जो पहले की आवाज़ है वो आवाज़ डिलीट कर सकते हैं। ये इसमें है तो ये सारे ये चीज़ें फंक्शन है इसमें। और भी चलती थी मैं बताती हूँ जूम और आउट और जूम इन कैसे करते हैं। तो जैसे कि यह मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से इसको सिंपली ऐसे बीच में से कट कर देना, ओके कर देना है और यहाँ पे लाके ये बीच का सर्कल है, ये देखिए बीच का है, उस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आ गया है। तो यहाँ आपके जूम आउट ये जूम इन कर सकते, ये देखिए फिर जाके इस पर क्लिक कर देंगे तो फटाक से जैसे वीडियो कभी होती कि अचानक आती है तो ये देखिए ऐसे इफेक्ट आएगा कि जूम हो के जूम आउट होगा। ये देखिए ये जूम होके फिर जूम, आपको पूरे में करना है तो पूरे में भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया और ये हो गया, ये अभी पूरे में सेलेक्ट हो गया, जूम हो गया पूरा। अब यहाँ पे लोगो कैसे लाते हैं ये भी मैं बताती हूँ कि जैसे कि देखा होगा अपने कई वीडियो में कि साइड में लोगो रहता है तो वो कैसे लाते हैं, तो चलिए वो देखते ही लेयर में चलते हैं। लेयर में जैसे कि मल्टीपल बीड या और भी बहुत सारे इफेक्ट है और प्रीमियम भी है, आप पैसे दे के भी इसमें सारे बहुत सारे इफेक्ट और इंट्रो वगैरह सब चीज़ ले सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वो सब ज़रूरी नहीं, आपका मतलब कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप जो बोले वो जनता से कनेक्ट होना चाहिए, बस आपकी जो वीडियो में वही मैं सोचती हूँ उसमें वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और बस यही है। तो चलिए मैं इफेक्ट इसमें और भी बता देती हूँ आपको, जैसे कि आपको ब्लोर करना है कि आपको लगता है कि ये हमको नहीं दिखाना है, आप देखते होंगे आपको वीडियो में ब्लोर आ जाता होगा, तो इसको देखिए जूम जितना आपको करना है, जैसे कि मेरे को ये करना है तो ये यहाँ से ये हो चुका है। आपको पूरे में करना है तो यहाँ से स्क्रॉल करके पूरे में कर सकते हैं, ये देखिए नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट मार सकते हैं बस। तो ये टैग टेक्स्ट का मैं बताती हूँ, जिसे कुछ लिखना है तो वो तो मैंने कल बता दिया, चलिए मैं आज भी बता देती हूँ, चलिए मैं अपना नाम लिख के ही बता देती हूँ। टेक्स्ट ओके कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं, फिर इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके एमिनेशन को चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल एमिनेशन करना है तो ये पूरे में ऐसे होगा, और सिर्फ आपको इसको सेलेक्ट कर जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन खुलेगा। देखिए जैसे कि कभी देखा होगा आपने कि ये नीचे से आता है और ऊपर चला जाता है, होता है ये देखिए साइड से, ये देखिए फिर आपको एंड में अगर आपको ये करना है कि ये नीचे चला जाए, ऊपर नीचे से और नीचे ही चला जाए तो उसका भी ये देखिए देखिए ये देखिए ऊपर से आया और ये नीचे से, तो यहाँ से आपको नहीं चाहिए तो इसको आप डिलीट मार सकते हैं। और भी मैं बताती हूँ कि जैसे कि आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसमें देखिएगा साइड में भी वीडियो चलता है, तो साइड में भी वीडियो चलता रहता है और उधर भी वीडियो चलता रहता है, तो वो कैसे करते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैं चलिए एक अपना एक ही वीडियो ले लेती हूँ, देखिए ये मैंने वीडियो ले लिया अपना, फिर इसको मेरे को छोटा करके साइड में चलाना है, देखिए तो ये दोनों वीडियो, जैसे कि ये होता है कि मोबाइल में हम लोग कुछ समझाते बताते हैं, बस इसके लिए होता है कि मोबाइल में हमें कुछ समझाना होता है तो उसके लिए ये कर सकते हैं। फिर इसमें हमें कोई अपने लोगों को ऐड करना है, तो जैसे मीडिया में गए अपना एक लोगो लिए, ये जैसे कि मेरा ये लोगो है और मैंने इसको यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, फिर इसन को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ओवरऑल कर सकते हैं, ये देखिए ये ऐसे अगर आपको यहाँ कुछ लिखना, जैसे लिसा लो लिखते हैं सब्सक्राइबर साइड में लिख देते हैं, तो ये सब तो आपने बता दिया, इसको कलर फॉन्ट कैसे चेंज करना ये सब तो आप कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे इसको लाके साइड में ऐसे रख देते हैं और फिर ओके कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको और पूरे में करना है तो आपको इसको स्क्रॉल करके ऐसे पूरे में कर सकते हैं, देखिए लोगों को भी आपको पूरे में करना है तो स्क्रॉल करके पूरे में कर सकते हैं। और भी इसमें है जैसे कि आपको कुछ लिखना है, लाइक लिखना है, जैसे कि मैं लिखती हूँ हमेशा ये देखिए लाइक ओके कर देना है,
इसको कलर को चलो चेंज कर लेते हैं। तो इसको अक्सर आपने देखा होगा कि क्यों ये देखिए, तो यही सारे फंक्शन है इसमें, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ऐसे ही करते हैं, इतना ऐसे करके आप इसमें सीख सकते हैं इसको। चलिए ऑडियो को म्यूट कर लेते हैं। कल मैंने सारे चीज़ इसमें बता दिए और यही सारे इफेक्ट है, कट वर्ड लगाना, ये सारे चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा कुछ बहुत कुछ है सीखने के लिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगी। तो देखा जाए बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है और ज़्यादा वो भी नहीं है। अगर आप अच्छे से करेंगे और प्रैक्टिस करके करेंगे तो सीख जाएंगे। और हमें यही, मैं यही कहूँगी कि आप कोई वेस्ट फाइल लीजिए, उसमें आप एडिटिंग अच्छे से पहले सीख जाइए और अपनी अच्छी फाइल मत वो करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो आप ये करिए कि कोई वेस्ट फाइल बनाइए और उसमें अच्छे से एडिटिंग पहले करना, करते रहिए, वो भी करते रहिए, दोनों सीख जाइए और मेरा वीडियो चले दीजिए एक तरफ, और आप एक तरफ एडिटिंग सीखिए और अच्छे से सीखिए और मोबाइल से सीखिए। कोई लैपटॉप तक की जरूरत नहीं होती है, सब आपने देखा सिर्फ मोबाइल से सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये आप मत सोचिए कि मुझे अच्छा सा लैपटॉप चाहिए या ये चाहिए, कुछ भी नहीं, और मोबाइल से ही देखा कितना अच्छा से सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ अच्छा होता है। यही नहीं कि आप सिर्फ यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं तो ही आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, आप कोई एल्बम ले सकते हैं, कोई अपनी फाइल ले सकते हैं, अपनी मैरिज की फोटो ले सकते हैं, कुछ भी लेके उसमें आप म्यूजिक अच्छी सी रोमांटिक म्यूजिक भी डाल के आप अच्छे से वीडियो बना सकते हैं फोटो की। अगर कोई एल्बम है या शादी की कोई कैसेट रह गई है उसमें भी आप अच्छे सुधार कर सकते हैं, और कोई बच्चों की मेमोरीज रहती है उसमें भी आप अच्छे से बना के अच्छे से म्यूजिक डालिए, साउंड डालिए, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे ही ये काम आता, हर एक चीज़ में काम आएगा, हर एक चीज़ में कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा है, फ्री का सॉफ्टवेयर, मतलब फ्री इसमें एडिटिंग होती है तो इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है और अच्छा से कवर हो जाता है, बहुत ही अच्छा है, कवर हो जाता है। और भी बहुत सारे इसमें फीचर है, और भी बहुत सारे इसमें ये चीज़ें हैं, तो वैसे तो समझ में नहीं आती है, सब बेकार हो जाता है, हम लोग बिना समझे सीखे उसमें जाते हैं करने। तो मैं और भी इसके सारे फीचर बताऊंगी, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बताऊंगी, बहुत बारीकी तरीके से बताऊंगी जो आपके समझ में है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है समझ में नहीं आई, मेरे भी ऊपर से बिल्कुल चली गई। तो मैं जो शेयर कर रही हूँ मैं समझती हूँ कि मतलब कैसा बताई, जो मेरे साथ गलतियाँ होती मैं बस वही सुधार करनी बताने की कोशिश करती हूँ कि शायद सबके साथ भी ऐसा होता हो। तो बस मैं वही वैसे ही तरीके से बताऊँगी जो बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। और लेकिन और अगर हाँ आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, मैंने उसमें स्टार्टिंग से बताया, इसमें मैंने स्टार्टिंग से नहीं बताया है कि कहाँ से फाइल लेती है कहाँ से क्या, तो आपको वो फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, तो वो जाके देखिए। सेकेंड पार्ट ये देखिए और यूँ ही देखते रहिए मेरा चैनल, यूँ ही मुझे सपोर्ट करिए। इस वीडियो को अगर मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा, तो सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं ऐसे ही कोई नॉलेजेबल और अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।